मैं हूं सादिक इमाम नियाज़ी। आज अकबरपुर रोहतास से मैं उचैला बस्ती में जाने वाला हूं, क्योंकि उचैला का न्यूज आज दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उचैला में एक लड़का जो कि बिहार टॉप किया है, मैट्रिक में टॉप किया है, जिसकी सराहना आज पूरे बिहार चैनल पे हो रही है। मैं उस लड़के के घर चलता हूँ। ये देखिए अकबरपुर का नज़ारा, और मैं चलता हूँ उसके घर और उसके घर का मंजर दिखा रहा हूँ, उसके पेरेंट्स से मिलवाता हूँ, उनके गुरुजी से मैं बात कराता हूँ। आज हमारी दिन भर की कोशिश यही रहेगी कि मैं उस बच्चे से बात कराऊँ। तब तक आप बने रहिए। अगर क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी अच्छा लगे आपको। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक बार उससे निकल चुका हूँ। अब ये देखिए मैं अपने रास्ते को बदल चुका हूँ। यहाँ से मैं थाना हॉस्पिटल होते हुए मैं उचैला गाँव में जाऊँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं उस लड़के से बहुत जल्द आपकी मुलाकात करता हूँ। ये देखिए इस वक्त मैं प्रिंस कुमार के दरवाजे पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सारे लोग इस तरह से खड़े हुए हैं, और ये गांव के लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं कि प्रिंस से मिलने के लिए, प्रिंस को मुबारकबाद देने के लिए, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देने के लिए। तो मैं भी यहाँ आ चुका हूँ। ये देखिए मैं प्रिंस के घर में पहुँचा हूँ। तो उचैला के लिए चला, और इससे पहले मैंने आपको ड्रोन का नज़ारा दिखाया कि उचैला गांव कैसा है, प्रिंस का खूबसूरत वो गांव कैसा है। तो मैंने ड्रोन से कुछ वीडियो आपको दिखाया, और वीडियो दिखाने के बाद मैं कुछ यहाँ के स्थानीय से मैं बात करूँगा। यहाँ पे महिला हैं, उनके मोहल्ले के लोग खड़ी हुई हैं, और इनको क्या मालूम है, ये कैसा आज फील कर रही हैं, कैसा आज इनको महसूस हो रहा है कि इस गाँव के बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं बात करता हूँ जी, आप प्रिंस की कौन हैं? बड़ी मम्मी। आप बड़ी मम्मी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका बेटा। आप बड़ी माँ हैं, आपने बहुत अच्छा संस्कार दिया, ये हमें जान के खुशी हुई। आज आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत खुशी, बहुत खुशी हुआ जब ये खबर आपने सुना कि प्रिंस का ऐसा नंबर आया है। तो आइए मैं और मैं बात करता हूँ जी। बेटा आपका नाम क्या हुआ? सत्य प्रकाश कुमार। प्रिंस आपका कौन है? भाई। भाई तो आप उनके छोटे भाई हो? हाँ। ये बताओ, जब ये खबर सुना आपने तो आपको कैसा महसूस हुआ था? बहुत खुश हुए थे। बहुत खुशी हुए थे। हाँ। घर में खुशी का माहौल था। हाँ। और प्रिंस को मुबारकबाद दिया? हाँ। अच्छा अच्छा, और दोस्तों में क्या बताया कि मेरा भाई आज बिहार टॉप किया है? हाँ। और मैं लोगों से बात करता हूँ। ये देखिए मेरा प्रिंस है, वाकई प्रिंस के मानी आप जानते हैं, वाकई इसने कर दिखाया कि मैं वाकई प्रिंस हूँ। नगर पंचायत अकबरपुर रोहतास में और पूरे बिहार में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपने प्रथम स्थान दर्जा हासिल किया है। इसके लिए नियाज़ी वीडियो की तरफ से और पूरे लोगों की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। आपको ये खबर कैसे मिली? हमको ये खबर बिहार बोर्ड से कॉल आया था, तो हमें पटना बुलाया गया था, तो हमने पटना गए थे। अच्छा, पटना आप किसके साथ गए थे? पटना अपने अंकल जी के साथ गए थे। अच्छा, तो पटना में वहाँ क्या हुआ? पटना में वहाँ इंटरव्यू लिया गया, क्वेश्चन कुछ पूछा गया अपने सिलेबस से जी, और फिर उसके बाद बोल दिया गया कि आप लोग चले जाइए। अच्छा, आपके सर का नाम क्या है, जरा मैं ये भी सुनना चाहूँगा। हमारे तो सर का नाम, जैसे कोचिंग के टीचर का नाम रविंदर सर है, और बाकी स्कूल के लोग भी अच्छे से पढ़ाए हैं लोग।
सबका योगदान अच्छा रहा। अच्छा ये बताइए कि इतनी बड़ी खुशी का मौका है, इतना लोग खुश हैं यहाँ पे, घर में एक भीड़ सा लगा हुआ है आपके दरवाजे पे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है जी। आपको ये उम्मीद था कि मैं ऐसा कर जाऊँगा? जी सर। आपको पूरा कॉन्फिडेंस था? जी। अपनी मेहनत पे पूरा आपको नाज था कि मैं ऐसा कर दिखाऊंगा? जी जी हाँ, ये वाकई मेरा प्रिंस कोई नाज शुरू से था, इसने डिसीजन पहले से ले चुका था कि मैं जो करूंगा मैं कुछ हट के करूंगा। एकदम बिगुल बजा दिया बिहार में। जियो मेरे शेर, आप मैट्रिक के बाद अब आगे क्या करना चाहोगे? आगे मैं साइंस से पढ़ाई करना चाहता हूँ, IAS करूँगा साइंस से। आगे की सोच है इंजीनियरिंग लाइन के लिए, इंजीनियरिंग लाइन में पॉलिटेक्निक के बाद जाना चाहूँगा। हमारे इस होनहार प्रिंस के लिए आप आज दुआएं कीजिए कि जिस तरह से अपनी कामयाबी की दहलीज पे पहुंचा है, इस मकाम तक पहुंचा है, आप इसके लिए दुआ कीजिए कि अपने इलाके का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने पूरे ख़ानदान का नाम, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने पूरे बिहार का नाम, अब मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान का नाम ये हमारा प्रिंस करे। तो प्रिंस के आज यहाँ पर आप कौन हुए? चाचा। आप अंकल हुए? जी जी। आप ही पटना लेके गए थे? जी। ये जब आपने खबर सुना कि प्रिंस को बिहार बोर्ड ने बुलाया है, तो आपके दिल में क्या महसूस हुआ था, कैसा फील कर रहा था? अरे हम तो राशन बांट रहे थे, ये जो है ना खुशी सुने तो राशन अपना बंद कर दिए, उसके बाद जो है ना अपने बच्चा को लेकर गए वहाँ पे, और बहुत ही गर्वानी की बात है कि हमारा बच्चा के साथ साथ जो है ना मेरे गाँव घर जी सबको पढ़ने के प्रति जो है ना कम से कम कुछ जागरूकता फैले जी, आगे चल कर के पढ़े, ताकि हमारे गांव घर जो है ना सबका समाज चेंज हो कुल मिला कर के जी। आप जो पटना गए थे वहाँ किससे किससे मुलाकात हुई? हम लोग बोर्ड ऑफिस गए तो वहाँ पे जो है ना हम लोग तो मैंने गेट के अंदर किए, उसके बाद जितना गार्जियन लोग थे सब लोग जो है ना एक साथ थे, और जो है ना बच्चा को ऑफिस के अंदर ले गया गया। सिर्फ बच्चे गए? हाँ, वहाँ जो है ना काउंटर बाई काउंटर जो है ना टेबल लगा था जी, और सबसे सब्जेक्ट वाइज जो है ना ये लोग से क्वेश्चन पूछा दो दो, और लास्ट में जो है ना ये लोगों का जितना भी ट्रेवलिंग खर्चा था वही लोगों को मिला जी। तो आज तो बहुत खुशी की बात, इसके लिए मैं आपको दिल से बधाई दे रहा हूँ और प्रिंस के लिए दुआएं कर रहा हूँ कि। और ये देखिए पापा जी हैं, मेरे दर्शकों को अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम पड़ेगा शुभ मधेश्वर प्रसाद। आज आपके दिल में क्या है मेरे दर्शकों को आप बता दीजिए। खुशी तो बहुत है जी, लेकिन उसमें बहुत प्रयास से मेरा मेहनत किया हुआ है, बहुत तकलीफ से मतलब बच्चे को उस मकसद तक पहुंचाए हुए हैं, और मालिक उसको कामयाबी दे, जितना मेरा प्रयास रहेगा उतना ही पढ़ाइएगा आप। मेरा स्थिति मेरा बहुत दयनीय ख़राब है, अपना टेम्पू हम चलाते हैं। ये प्रिंस के पापा हैं जो कि ऑटो चालक हैं और प्रिंस को इस मकाम तक पहुंचाया है जी। आपका ऑटो है? जी। तो आप ऑटो कहां से कहां चलाते हैं? ये रोहतास से नोहाटा तक चलते हैं। मेरा प्रयास रहेगा उसे और मैं पढ़ाऊँ। हाँ, प्रयास तो रहेगा ही जी। हाँ, ये प्रिंस के पापा हैं और इनका कहना कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रिंस जहां तक पढ़ना चाहेगा मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो आपका शुभ नाम? सरोज कुमार। क्या ये प्रिंस के आप कौन हैं? मेरा छोटा भाई है। आप प्रिंस के बड़े भाई हैं? जी, मेरे चाचा का लड़का हुआ। खुशी की बात है, प्रिंस ने इतना अच्छा स्थान प्राप्त किया है, आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है सर कि जो कि मेरा छोटा भाई रैंक बहुत अच्छा लाया है, जो कि हम लोग शुरू से ही उसको पढ़ाई हम देखे हुए हैं जी, जो कि कुछ हम लोग का पहले से अनुभव था कि हमारे भाई आगे की ओर कुछ हम लोग का गाँव का नाम रोशन करे। ये देखे प्रिंस की मम्मी है, पहले तो मैं इन्हें दिल से और जज्बे के साथ इस नयारी वीडियो की तरफ से मैं काफ़ी मुबारकबाद देने दे रहा हूँ। तो आइए मैं मम्मी से बात करता हूँ जी। आप प्रिंस की मम्मी हैं और आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है सर, जितना मैं मेहनत करवाई थी उतना वह सफल कर दिया है। आपकी तो मेहनत रंग लाई। जी सर। आप आज आप खुश हैं? जी सर। बात आप उसकी मम्मी हैं, ये बताइए कि आपको कहाँ तक उसे पढ़ाइएगा, जहाँ तक पढ़ना चाहेगा? जहाँ तक उसका दिल पढ़ना चाहेगा वहाँ तक पढ़ाऊँगी सर, कोशिश करूँगी कि उसका इच्छा पूरा हो जाए, जो करना चाहता है वो कर सके। बचपन में उसका पढ़ने का कैसा ये था? उसका शुरू से पढ़ने में बहुत मन लगता है सर, वो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता है, हमेशा उसको डांटते हैं बस पढ़ाई में लग जाता है।
अच्छा, अब डांटती भी है तो पढ़ाई अपना करने लगता है। जी हाँ, ये प्रिंस की एक सबसे बड़ी खासियत कि मम्मी डांटती है कि बेटा सो जाओ। प्रिंस को बोलते कि बेटा जाओ थोड़ा सा खेल लो, तो वो खेलता नहीं है। जी सर, खेलता नहीं है, खेल बस सिर्फ घर में ही रहता है, पढ़ता है, घूमता है, अब खेलने इधर उधर कहीं नहीं जाता है, बस पढ़ाई में उसका मन लगता है। आप क्या कहना चाहिएगा, हम एक माँ हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, दो शब्द? उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसी तरह हर बच्चा मन लगा के पढ़े। इनका एक संदेश आपने सुना कि जिस तरह से मैं अपने बच्चे को गाइड करती हूँ आप भी गाइड कीजिए, जहाँ पे खेलना है वो खेले, जहाँ पे पढ़ना है पढ़े, तब जाके वो प्रिंस बनेगा। मम्मी से आपने बात कर ली, ये प्यारी सी गुड़िया। बेटा आप नाम बताओ। दीक्षा कुमारी। इच्छा कुमारी, आप प्रिंस की कौन हो? बहन। प्रिंस भैया तुम्हारे मैट्रिक में उत्तम दर्जा प्राप्त किया बेटा, है मालूम? यस। अब आप पढ़ती हो? हाँ। किस क्लास में हो? 8। पढ़ लिख के क्या तुम बनना चाहोगी? टीचर। टीचर बनोगी? अच्छा, प्रिंस भैया से आगे या नीचे कहाँ रहने का ख्याल है? प्रिंस भैया मैट्रिक में टॉप किए हैं, तो तुम क्या करोगी? हम भी मैट्रिक में टॉप करेंगे। आप भी मैट्रिक में टॉप करोगी? क्या बात है, क्या बात है। मेरी चैनल की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, और आज तो आपकी खुशी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, खुशी है। अच्छा, प्रिंस भैया मिठाई उठाई खिलाए? मिठाई खिलाए हैं। मिठाई खिलाए हैं। अच्छा अच्छा, प्रिंस को आपने मिठाई उठाई खिलाया? अभी तक तो सर नहीं खिलाए, कन्फ्यूज में थे, लेकिन अब हो सकता है खिलाएंगे। प्रिंस की कामयाबी पर क्या कहना चाहिए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? प्रिंस के कामयाबी से हमें बहुत खुशी मिल रहा है। आज मेरा बिहार टॉप लाया है मेरा भाई, आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमको। भाई बहन में सबसे टॉप लाया, इसको हमारे तरफ से बहुत सारा खुशी मिले, और जो चाहता है वो बने। और दोस्तों को भी बताइए, उन लोग को भी हेल्प किए, उन लोग भी हेल्प किया प्रिंस का, और टीचर भी किए हैं। हम लोग को उम्मीद था कि प्रिंस लाएगा टॉपर। आपको उम्मीद थी? जी। प्रिंस की मेहनत देख के आपको उम्मीद थी कि प्रिंस कुछ करेगा? जी हम लोग, और आज उसने कर दिया। आज कर दिया। जी हाँ, ये प्रिंस की दीदी थी जिनसे हमारी बात हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। मेरी दुआ है और हर बच्चे के लिए दुआ है कि इसी तरह पढ़कर एक प्रिंस और यहाँ से उभरे।